सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा एक गणित की शिक्षण योजना के बारे में जानेंगे, जिसका प्रकरण है 1 से 10 तक की संख्या का ज्ञान कराना। साथियों, ये शिक्षण योजना मुझे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से दुर्गा प्रसाद जी ने भेजी है। काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है दुर्गा प्रसाद जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये शिक्षण योजना भेजी मुझे अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए। साथियों, अगर आपके पास इसी तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, उसको मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। मेरे चैनल पर अपलोड करने से तात्पर्य है कि कम से कम 100-200 शिक्षकों को इसका फायदा होगा, क्योंकि साथियों, हम सभी को मिलकर शिक्षण योजना बनानी है। अगर हम सब लोग मिलकर शिक्षण योजना बनाएंगे तो हमें ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, और अगर अलग अलग शिक्षण योजना बनाएंगे तो कम से कम हमारे 5-6 घंटे शिक्षण योजना बनाने में लग जाएंगे, क्योंकि एक शिक्षक साथी को एक दिन में कम से कम 6 शिक्षण योजना बनानी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह की शिक्षण योजना दुर्गा प्रसाद जी ने बनाई है। शिक्षण योजना, दिनांक का कॉलम खाली छोड़ देंगे, कक्षा एक विषय गणित और अवधि 35 से 40 मिनट। सबसे पहला लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम में बच्चे ठोस वस्तुओं को गिनकर बताने की जानकारी रखते हैं, यानी कि अगर बच्चों के सामने ठोस वस्तुएं रख दी जाएँ, जैसे कापी रख दी जाए या किताब रख दी जाए, तो उनकर गिनकर बता सकते हैं। प्रकरण है हमारा 1 से 10 तक की संख्या का ज्ञान कराना। नेक्स्ट आता है सीखने सिखाने की सामग्री, इसमें कंचे, संख्या कार्ड, इस तरह की आप सामग्री ले सकते हैं। नेक्स्ट आता आपका सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां, इसके 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा चरण, तीसरा समय और चौथा आपका आकलन के तरीके। चरण आपके 3 होंगे, पहला शिक्षण की शुरुआत में, दूसरा शिक्षण के दौरान और तीसरा शिक्षण के अंत में। सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत में हमारे तथा परिवेशीय चीज़ों की संख्या पर आधारित चर्चा करेंगे तथा उनसे संख्या आधारित प्रश्न पूछकर रुचि उत्पन्न करेंगे, यानी बच्चों से संख्या पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछेंगे। जैसे बताओ बच्चे, क्लास में कितने पंखे हैं, कितने ब्लैक बोर्ड हैं, कितनी कुर्सी हैं, इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। समय आपके इसमें 5 मिनट लगेंगे और आकलन का तरीका होगा प्रतिक्रिया तथा सहभागिता देखकर। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान क्रम से एक एक बच्चे को बुलाते हुए आप क्रम से एक एक बच्चे को बुलाएंगे और उनके साथ एक बाल गीत गाएंगे, इसमें आपकी 15 मिनट लगेंगी। आकलन होगा बच्चों की प्रतिक्रिया। एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पर सो, एक बच्चे को बुलाएंगे, उनसे कहेंगे एक छोटी चिड़िया गई पेड़ पर सो, एक और आ गई हो गई वो दो, इस तरह से बाल गीत आप गाएंगे। दो छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक और आ गई हो गई वो 3। तो बच्चे इस बाल गीत में काफ़ी आनंद लेंगे। 3 छोटी चिड़िया चला रही थी कार, एक और आ गई हो गई वो 4। 4 छोटी चिड़िया देख रही थी कांच, एक और आ गई हो गई वो 5। 5 छोटी चिड़िया बोल रही थी जय, एक और आ गई हो गई वो 6। 6 छोटी चिड़िया खा रही थी भात, एक और आ गई हो गई वो 7। 7 छोटी चिड़िया पढ़ रही थी पाठ, एक और आ गई हो गई वो 8। 8 छोटी चिड़िया बो रही थी जों, एक और आ गई हो गई वो 9। 9 छोटी चिड़िया पी रही थी रस, एक और आ गई हो गई वो 10। 10 छोटी चिड़िया उड़ गई वो फुर। तो इस तरह से जब आप बच्चों को 1-2 बार इस बाल गीत को सुनाएंगे तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा और इसके साथ साथ उन्हें गिनतियों का ज्ञान भी हो जाएगा। तो इसमें आपकी 15 से 20 मिनट लगेंगी। आकलन का तरीका आपका वही होगा, बच्चों की प्रतिक्रियाएँ। इसके बाद आप बच्चों को एक गतिविधि देंगे, शिक्षक और बच्चे मिलकर निम्नलिखित प्रकार की गतिविधि करेंगे। शिक्षक, बोल माई कितने,
बच्चे कहेंगे आप मांगे जितने, बोल भाई कितने, आप मांगे जितने, शिक्षक 4, 3, 7, 2, 5 कुछ भी बोल सकते हैं। शिक्षक बोली गई संख्या के आधार पर समूह में बांटेंगे, उसके बाद उन्हें समूह में बांट देंगे। इसमें 5 मिनट आपके लगेंगी और आकलन का तरीका होगा सहभागिता व क्रियाशीलता। इस तरह से एक गतिविधि और करा सकते हैं, बच्चों को बारी बारी से बुलाकर एक एक मुट्ठी कंचे उठवाकर गिनवाया जाएगा और श्यामपट पर लिखा जाएगा कि बच्चों ने कितना बताया। इसमें आपकी 5 मिनट लगेंगे, आकलन का तरीका सहभागिता होगा। तो इस तरह की आप छोटी छोटी गतिविधियाँ जिनमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, इस तरह की गतिविधियाँ आप करा सकते हैं। दुर्गा प्रसाद जी ने काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना बनाई है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी इनोवेटिव शिक्षण योजना बनाई है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षण के बाद में, कतिपय बच्चों से निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर श्यामपट पर लिखा जाएगा। गाय के कितने पैर होते हैं, बच्चों से पूछा जाएगा, उसका आंसर लिख दिया जाएगा। हमारी कितनी आँख होती हैं, रिक्शे में कितने पहिए होते हैं, इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। इसमें 5 मिनट लगेंगे, आकलन का तरीका होगा प्रश्नोत्तर। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा, प्रदत्त गृह कार्य में 1 खाली स्थान छोड़ देंगे, फिर 4, फिर खाली स्थान छोड़ देंगे, 6, फिर खाली स्थान, इस तरह से। और उसके बाद 2 4 पाई के कितने पाँव होंगे, इस तरह के प्रश्न आप लिख के दे देंगे तो बच्चे घर से करके इनको लाएंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है शिक्षक की आगामी योजना। तो शिक्षक की आगामी योजना में शिक्षण के दौरान आई हुई समस्याओं के दृष्टिगत आगामी शिक्षण योजना बनाई जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी शिक्षण योजना समाप्त हुई। दुर्गा प्रसाद जी जो आपके ब्लॉक कन्वर सुल्तानपुर से हैं, काफ़ी सुंदर शिक्षण योजना उन्होंने बनाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे शिक्षण योजना दी जिसे मैं इसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं। साथियों अगर आपके पास भी इस तरह की कोई शिक्षण योजना है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। मेरे चैनल पे अपलोड करने से कम 400-500 शिक्षकों को इसका फ़ायदा होगा। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।